हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सिलिसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सिलिसाइट्स क्या होता है? बेसिकली सिलिकॉन और कोई भी एक मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको सिलिसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है बेसिक बहुत सिंपल सा ये नोट्स है आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बीएससी एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में। सो सिलिसाइट्स क्या है? सिलिसाइट्स आर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सिलिकॉन एंड मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और सिलिकॉन के बीच जब बॉन्ड बनता है, जब आपस में जुड़ते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है उसको सिलिसाइट्स कहा जाता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल साइंस। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलिसाइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें से कौन सा सिलिसाइट्स नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, जिसमें सिलिकॉन होगा वो तो सिलिसाइट्स होगा ही, है ना? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिलिसाइट्स जिसमें हमारा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और सिलिकॉन जुड़े रहते हैं। जैसे पहला है टाइटेनियम सिलिसाइट। ठीक है, टाइटेनियम और सिलिकॉन जब आपस में मिलेंगे तो टाइटेनियम सिलिसाइट्स बनेगा। तो ऑफन यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, इसका हम यहाँ पे यूजेस ही लिख देंगे जो इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस में यूज होता है फॉर फॉर्मिंग कॉन्टैक्ट्स एंड इंटरकनेक्शन ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टिविटी एंड गुड थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये टाइटेनियम सिलिसाइट्स बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में डिवाइस में यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा सेकंड है टंगस्टन सिलिसाइट। ठीक है, टंगस्टन और सिलिकॉन जब जुड़ेंगे तो टंगस्टन सिलिसाइट से बनेगा। यूज्ड इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर गेट इलेक्ट्रोड्स एंड इंटरकनेक्ट्स ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको बेसिकली माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है टंगस्टन सिलिसाइट्स यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये ऑक्सीडेशन के प्रति जो है प्रतिरोध क्षमता दर्शाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस शो करता है। तो टंगस्टन सिलिसाइट्स भी एक इंपॉर्टेंट है जिसको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, एक सिलिसाइट्स है क्योंकि ये टंगस्टन और सिलिकॉन के बॉन्ड से बना हुआ है। ठीक है, बस आपको नाम याद रखना है और बेसिक कुछ एक एक एप्लीकेशन सिंपल सा, फिर आप इसको लिख सकते हैं। थर्ड है कोबाल्ट सिलिसाइट, COSI2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए, बेसिकली COSI2 कोबाल्ट सिलिसाइट, जो कोबाल्ट और सिलिकॉन है आपस में मिलेंगे तब। ऑल्सो यूज इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्टिकुलरली इन सेल्फ अलाइन सिलिसाइट प्रोसेसेस टू फॉर्म कॉन्टैक्ट एंड रिड्यूस रेजिस्टेंस एट मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। ठीक है, तो ये इसका यूज है, ये थ्योरी पॉइंट्स है, आपको इसको याद रखना है। फोर्थ है निकिल सिलिसाइट्स। ठीक है, निकिल और सिलिकॉन जब जुड़ेंगे तो यूज्ड इन सिमिलर एप्लीकेशन एज कोबाल्ट सिलिसाइट। ठीक है, कोबाल्ट सिलिसाइट की तरह ही इसका भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, विद एडवांटेज इन प्रोसेस सिंप्लिसिटी एंड लोअर फॉर्मेशन टेम्परेचर। ठीक है, सिलिसाइट्स आर क्रिएटेड थ्रू वेरियस मेथड इंक्लूडिंग डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन सिलिकॉन एंड मेटल एट हाई टेम्परेचर। तो इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं सिलिसाइट्स को? तो बहुत सिंपल सा है, बहुत एक तो डायरेक्ट मेथड के द्वारा बना सकते हैं, जिसमें हम सिलिकॉन और कोई भी जो हमारा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, उन दोनों को आपस में जब हाई टेम्परेचर में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सिलिसाइट बन जाएगा, या फिर थ्रू डिपोजिशन टेक्निक। ठीक है, फॉलोड बाय एनिलिंग। ठीक है, एनिलिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम सिलिसाइट्स बना सकते हैं। अब ये एनिलिंग प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। बेसिकली एनिलिंग प्रोसेस एक थर्मल प्रक्रिया है जिसका उपयोग धातु और जो धातु कोई भी मेटल या फिर अन्य सामग्रियों की भौतिक और यांत्रिक गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। भौतिक, फिजिकल और जो क्वांटम उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको सुधार करने के लिए जो है एनिलिंग प्रोसेस यूज किया जाता है किसी भी मेटल का। ये जो प्रोसेस है बेसिकली इसमें कोई भी मटेरियल ले रहे हैं कोई एक जो है एक निश्चित तापमान पर। ठीक है, एक निश्चित डेफिनेट जो है टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको ठंडा करते हैं, तो वो हमारा ये जो प्रोसेस होता है ये एनिलिंग कहलाता है। तो ये है, इस प्रोसेस के द्वारा भी हम सिलिसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। एंड पहला है डायरेक्ट के द्वारा, डायरेक्ट हम सिलिकॉन और जो हमारा मेटल है उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो भी हमको जो है सिलिसाइट्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये था सिलिसाइट्स का नोट्स। एंड अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।